जो मैं खबर देता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इज़ फ्रॉम द बॉलीवुड, आई एम फ्रॉम द बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो चीज़ें हुई वो मुंबई में हुई, आई एम फ्रॉम द मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत के जो लोग आज जो उस घर में अवेलेबल थे, उस घर में प्रेजेंट थे, वो मुंबई में ही हैं। और दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितना लोग रिपोर्टर्स और मीडिया जानती है वो शायद कोई और नहीं जानता हो, शायद एजेंसीज जानती होंगी, और रिपोर्टर्स और मीडिया के साथ मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूली कनेक्टेड हूँ। सो जो मैं दे सकता हूँ वो कहीं नहीं दे सकता, इसीलिए मैं कहता हूँ, इसको मानना है नहीं मानना है ये आपकी मर्ज़ी। बाकी सब लोग सिर्फ गूगल पे सर्च कर करके और एक एक साल पुरानी वीडियोस देख देख के आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और वो होता रहेगा, वो मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है, ह्यूमन माइंड ही ऐसा है। चलिए मैं आपको आज खबर देने आया हूँ, दीपेश सावंत फरहान अख्तर के घर पर काम कर रहा है, उसका कुत्ता वगैरह सुबह घुमाता है और अच्छे से उसका सब कुछ सर्वाइवल आराम से चल रहा है और पैसे भी काफ़ी कुछ कमा चुके हैं। आपने बहुत साल पहले, 2 साल मतलब पौने 2 साल पहले खबर भी देखी थी कि 25 लाख रुपए कैश दीपेश सावंत के पास मिले, वो कहाँ से आए थे, क्या आए थे, ऊपर से जो लड़का बैग लेके भागा था सुशांत के घर से वो कौन था, ये भी दीपेश क्लियर कट उसमें दिखाई दे रहा है, मास्क भले पहन के हो लेकिन दीपेश था। उसके बाद दीपेश कुछ दिन के लिए गायब भी हो गया था, उसमें हम भी रिपब्लिक पे बैठे हैं, पूछता है भारत में, अर्णब सर ने बहुत कुछ पूछा उसको, दीपेश कहाँ भाग गया, कहाँ भगा दिया, ये सब बहुत चिल्ला के पूछा, लेकिन उसका कोई आउटपुट बाद में निकला नहीं। दीपेश उस टाइम नहीं था मुंबई में लेकिन बाहर गया। उसके बाद आज फरहान अख्तर की शय में है। फरहान अख्तर जिसकी वाइफ शिवानी दांडेकर है, शिवानी दांडेकर जो रिया चक्रवर्ती बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद नीरव की बात करूंगा। नीरव आज की डेट में सारा अली खान के घर पर खाना बना रहा है और बहुत अच्छे से खाना वाना बनाता है वो, इसीलिए तो सुशांत ने उसको रखा था, वरना कोई क्यों रखेगा। तो क्योंकि खाने का तो वो पसंदीदा था, तो उसको नीरव खाना अच्छा बना देता। ऑफकोर्स सारा अली खान जब उसके साथ काम कर रही थी तब भी नीरव शायद होगा, तो ऑफकोर्स वो पहचान हो जाती है, या तो उसके बाद भी अगर नीरव होगा तो उसको पहचान तो हो जाती है और जान पहचान होती है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से खाना खाया होगा सारा ने, तो उसको पसंद आया, तो नीरव आज वहाँ पे है। लेकिन सारा अली खान के घर पे वो काम कर रहा है और सबके सब प्रोटेक्टर है। सिद्धार्थ पिठानी को किसी का सपोर्ट, किसी के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिला तो वो जेल में है। मैं किसी को बेगुनाह मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो कमरे में थे वो सारे के सारे गुनहगार हैं, इसलिए क्योंकि वो सच क्यों नहीं बता सके, सच बताना चाहिए था। तरीका ज़रूर अच्छा होता है सच बताने के लिए, तरीका ये होता है कि प्रोटेक्शन पहले ले लो आप, फिर उसके बाद बताओ, या तो न्यूज़ चैनल का सहारा ले लो, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो आया था सामने और ये सबको चांस मिल रहा था कि रिपब्लिक पे जाए, और पिठानी तो गया भी था रिपब्लिक पे, अगर उसी टाइम वो सब बोल देता तो शायद उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता और अब तक सुशांत को इंसाफ भी मिल गया होता। सो मैं किसी को बेगुनाह नहीं मानता हूँ, सारे के सारे गुनहगार हैं, लेकिन हाँ इंसाफ मिलने के लिए अब क्या करना चाहिए ये आपको सोचना है। अननेसेसरी वीडियोस बना के लोग जो बना रहे हैं उनको सपोर्ट करके, या फिर जो लोग रोड पे जाते हैं उनको सपोर्ट करके। देखो मैं तो 14 जून को रोड पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ, अब मैं फाइनेंशियली पूरी तरह से ब्रेक हो गया हूँ और अब मैं अपने ज़िंदगी में ही उभरना चाहता हूँ, वही उभर नहीं पा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो मेरा पेटीएम नंबर और वो सब उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सपोर्ट करोगे तो मेरे लिए ठीक होगा, लेकिन इसलिए सपोर्ट मत करना कि मैं सुशांत के लिए कुछ करूँगा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, सुशांत के नाम पे नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी, एंड सब्सक्रिप्शन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अंदर की खबर जो लेटेस्ट खबर है उसके लिए अगर आपको देखना है तो इस चैनल देखते ज़रूर रहें, मैं ज़रूर बताऊँगा लेटेस्ट खबर। थैंक यू सो मच।